वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो गाड़ी हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली, लोगों की सबसे ज्यादा चाहने वाली गाड़ी आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो इस गाड़ी के बारे में जानते हैं आप आयुष से। आयुष, क्या डिटेल्स हैं इस गाड़ी की? ये इंडिया की मोस्ट फेवरेट एसयूवी गाड़ियों में से एक है और इसकी जो एवरेज मंथली सेल्स आती है वो भी 15,000 to 16,000 पर मंथ आती है, मतलब 15,000 से 16,000 गाड़ियां ये हर महीने बिकती है। तो इसी से ही अंदाजा लगा सकते हो आप कि एसयूवी रेंज में इससे ज्यादा बिकने वाली कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर आप इसके नीचे बात करो तो सीधा ग्रैंड विटारा आती है, तो सबसे नंबर वन पे यही आती है एसयूवी में। और आज जो हम वेरिएंट भी लेकर आए हैं, पहले तो गाड़ी की इंट्रोडक्शन दे देते हैं। गाड़ी है ह्यूंडई की क्रेटा, आज हम लेकर आए हैं सबसे टॉप एंड वेरिएंट में एसएक्स जो आता है इसका, और फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ लेकर आए हैं, जिसमें आपको फीचर्स बहुत ही अच्छे अच्छे और ऐसे ऐसे मिलने वाले हैं जो कि आपको प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसमें आयुष? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलेगी और साथ में आपको पहले की गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलती थी, ये नई शेप की है, इसमें आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं जिसकी जो थ्रो है वो भी काफी अच्छी है। साथ में आपको फॉग लैंप भी दिए हुए हैं। तो आप ज्यादातर देखोगे कि आजकल की गाड़ियों से फॉग लैंप हटा दिए गए हैं जब से उसकी पोजीशन नीचे की साइड कर दिया हेडलाइट की, तो इसमें आपको फॉग लैंप भी मिल रहे हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और साइड में आप देखोगे तो आपको एक तो ORBMs पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं और इसके अलॉय व्हील भी आपको काफी अच्छे लगते हैं, आप देखोगे तो काफी प्यारा लुक दे रहे हैं जो कि इसके कंपनी फिटेड आते हैं। बाकी आप गाड़ी को साइड से चेकआउट करोगे तो काफी प्यारी हुई फुल फ्लेज एसयूवी लुक देती है, मतलब गाड़ी आपको अगर आप बात करोगे किसी भी एसयूवी के सामने खड़े कर दो आपको ये गाड़ी कहीं से भी कम नहीं लगने वाली, काफी अच्छा लुक देती है। बाकी बैक साइड से अगर आप गाड़ी को देखोगे तो आपको सी शेप एलईडी देखने को मिलेगी जो कि आपको रात में काफी प्यारी लगती है देखने में, और पीछे की साइड आपको सेंसर्स तो मिलते ही मिलते हैं और इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है जो कि इसका कंपनी फिटेड आता है। और बूट स्पेस की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा 400 से ऊपर लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और जैसे ही आप इंटीरियर की तरफ आओगे सबसे पहले तो आपको बाहर कीलेस एंट्री का बटन मिल जाता है जो कि काफ़ी यूजफुल है आज की डेट में। और जैसे ही आप गेट ओपन करोगे आप देखोगे डुअल टोन में इसका काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ह्यूंडई ने, काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है। प्लस आपको गेट पे सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के और इसके ORBM के सारे कंट्रोल। फिर आप आते हो डैशबोर्ड की तरफ, सबसे पहले आप देखोगे इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है और साथ में आपको मिल रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। और गाड़ी में आप देखोगे स्टेयरिंग व्हील काफ़ी प्यारा बना दिया आप ह्यूंडई ने, काफ़ी अच्छा और यूनिक सा स्पोर्टी लुक दे रहा है इसका स्टेयरिंग व्हील। और स्टेयरिंग व्हील पर राइट हैंड साइड पर आपको सारे क्रूज कंट्रोल के कंसोल मिल जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वॉइस कमांड के साथ इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की जो कि बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया है ह्यूंडई ने अपनी क्रेटा में। जैसे कि आप पहले की क्रेटा में देखते थे उसमें नॉर्मल टच स्क्रीन मिला करती थी, अब की बार आपको टच स्क्रीन का साइज भी काफ़ी बड़ा कर दिया है और काफ़ी स्लीक लुक के साथ बना दिया है, मतलब प्रीमियम फील दे रही है पूरी टच स्क्रीन, जिसमें आपको फीचर भी काफ़ी प्रीमियम मिल रहे हैं। आपको टच स्क्रीन के अंदर ही GPS मिल जाता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कमांड मिल जाती है, तो सारे के सारे आपको इसके अंदर फीचर्स मिल रहे हैं। इसका गियर नॉब आप चेक करोगे तो उसमें आपको 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी मिल रही है जो कि आपको हाईवे पे और अच्छा माइलेज निकाल के देती है। और सबसे अच्छी चीज़ गाड़ी के अंदर जो कि क्रेटा लवर्स के लिए है वो है इसका सनरूफ जो कि आता है इसका पैनोरामिक। तो पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में डालने के बाद इसकी सेल्स एकदम डबल हो चुकी थी। वैसे भी आई थिंक सिर्फ क्रेटा ही एक ऐसी गाड़ी है फुल साइज एसयूवी में 5 सीटर में जिसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है। बिल्कुल, अब किया ने भी लॉन्च कर दिया है, जब से इसकी सेल देखी है तो अब किया में भी आने लग जाएगी। और जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा वो लगा इसका वायरलेस चार्जिंग का, आपको फ़ोन बस प्लेस कर देना है जहाँ पे इसका वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये मुझे फीचर काफ़ी अच्छा लगा। और बात करें इसके सीट कवर्स की तो इसमें एकदम ब्रांड न्यू सीट कवर लगे हुए हैं ब्लैक कलर के साथ जो कि जिसकी फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी हुई है और जो लुक दे रहे हैं वो गाड़ी का एकदम बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं। तो डैशबोर्ड के साथ मैच करके सीट कवर लगवाए हुए हैं और आपको फ्रंट में भी हैंडरेस्ट मिल जाता है जो कि सबसे कंफर्टेबल फीचर है किसी भी मैनुअल गाड़ी के लिए, और उसके अंदर आपको स्पेस भी मिलती है सामान रखने के लिए। सीट्स और आपका डैशबोर्ड दोनों का आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे आपको दोनों काफ़ी प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं और डैशबोर्ड आपको पियानो फिनिश के साथ मिलता है, तो दोनों का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल मिल रही है और आपको रेयर व्यू जो मिरर मिलता है उसमें भी आपको 3 कंट्रोल देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के लिए आपको इसमें 2 एयरबैग भी दिए हुए हैं। और गाड़ी में आप करोगे रेयर की बात तो रेयर में आपको सबसे पहले मिलता है रेयर AC वेंट, इसमें आपको रेयर में हैंडरेस्ट भी मिलता है 2 कप होल्डर के साथ, तो रेयर में भी आपको पूरा कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। और लेग स्पेस की बात करें तो आप
एसयूवी साइज में देखोगे आपको लेग स्पेस भी मिलता है और आपको हेडरूम भी काफी अच्छा मिल जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके इंजन की और परफॉर्मेंस की, कितने सीसी का इसका इंजन है और क्या परफॉर्मेंस देती है गाड़ी रोड के ऊपर, बाकी क्योंकि रोड प्रेजेंस तो इसका काफी अच्छा है जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं। ये गाड़ी आपको मिल रही है 1.5 लीटर इंजन के साथ जो कि इसका काफी पावरफुल है। क्रेटा का लगभग सबको पता ही रहता है कि इंजन वाइज काफी रिलायबल है ये गाड़ी और परफॉर्मेंस तो एकदम नंबर वन रहती है इस गाड़ी की, तो आपको एकदम पावरफुल पावर पैक गाड़ी मिल रही है आज। और अगर बात करें इसके माइलेज की तो सिटी में और हाईवे पे क्या माइलेज रहता है इसका आयुष? अगर इसकी सिटी में माइलेज की बात करें तो आपको पेट्रोल में ये माइलेज देती है लगभग 14 से 15 के आसपास का और हाईवे पे इसका माइलेज 18 से 20 के बीच में निकलता है। ओके, तो बात करते हैं इसकी ओनरशिप डिटेल की, किलोमीटर की और प्राइसिंग की, किस प्राइसिंग में ये गाड़ी आज आप प्रोवाइड कर देंगे हमारी ऑडियंस को? किलोमीटर की बात करें तो ये आज आपको मिल रही है गाड़ी नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन में, क्योंकि गाड़ी चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 11,000 किलोमीटर और पूरी गाड़ी आपको ओरिजिनल पेंट में मिल रही है बम्पर टू बम्पर, मतलब गाड़ी के अंदर आपको एक भी स्क्रैच नहीं मिलने वाला। तो आप चाहे शोरूम से ले लो चाहे हमारे यहाँ से ले लो, आपको एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी मिल रही है और हमारे यहाँ से लेने में आपको शोरूम से काफी सस्ते में मिल रही है और प्लस इस पे वेटिंग बहुत ज्यादा है तो उनके लिए भी ये काफी अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पे बिना वेटिंग के गाड़ी मिल जाएगी। फर्स्ट ओनर में ये गाड़ी मिल रही है और गाड़ी के प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी आज 14,75,000 में। तो 14,75 में आप ये गाड़ी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन है, 2022 की ये गाड़ी है और एकदम बेहतरीन आप देख सकते हो इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर ऑलमोस्ट सारे मेन फीचर्स जो हैं जो यूजफुल होते हैं और जो लग्जरी फीचर्स होते हैं वो भी आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे होंगे। और अगर आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव चाहते हैं तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं हमारे शोरूम पर जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।